कबूतर आता है, बाघ आता है, हंसेर आता है। डर गई? बोल दूंगा तो गलत है ना? नहीं, आप बोलो जो बोलना है। Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. How are you guys? Are absolutely fine. तो गाइस, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज प्लान किया है। आधा घंटा अभी टाइम देखो, 15 मिनट में आ गई हूँ। मैं बहुत पंचन हूँ ऐसे। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। सो गाइस, हम लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं और मैं पहले छोटी वाली गाड़ी लेके आई थी यहाँ पे और वो पूरी पूरी छिल गई थी। मतलब मेरी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है यार। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया तो गाड़ी हमने पार्क कर दी। ये बात जब मैं गाड़ी चला रही थी तब भी बताई जा सकती। तुझे बोला था मैंने, क्या बोलती है गाड़ी? क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो डेढ़ सौ किलोमीटर का लंबा सफर 3 घंटे में पार करने के बाद हम इस लोकेशन पर तो पहुंच गए। बारिश होने की वजह से जगह जगह पर कीचड़ मचा हुआ था, ये हमारे बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन था। जिस लोकेशन पर हमने जाने का सोचा था वहाँ गाड़ी जा सकती थी, बट ड्यू टू वाटर लॉगिंग गाड़ी को हमें कम से कम 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दूर खड़ा करना पड़ा और फिर हमने तय करना शुरू किया पैदल का सफर। अब आप सोच रहे होंगे ना, क्या करने आई है यहाँ जंगल में? अरे यार, नवरात्रे का पहला दिन है, कुछ बढ़िया करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैं हूँ मेरी टीम के साथ, लेट मी इंट्रोड्यूस। तड़प ही ऐसी है ना, पहले यहीं से ही घुमा लो। कंट्रोल। तो ये हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। हेलो। हाँ, नाम बताने की जरूरत है? हाय शिवम। सोनिया। ये मेकअप आर्टिस्ट। सो आज मेरा मेकअप यही करने वाले हैं विकास शर्मा। ये हैं हमारे कैमरामैन। एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है और ऊपर से इस लोकेशन पे पानी भरने की वजह से ना वाटर लॉगिंग हो रखा है। जस्ट अभी हम बैठे ही थे और अचानक से आवाज आई। फेस खराब नहीं होगा? तो यहाँ भैया के मेकअप की किट खुल चुकी है। सबसे पहला स्टेप प्राइमर था जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद स्टिक वाला फाउंडेशन करके डैब डैब करके भैया मेरे पूरे फेस पे लगा दिया। स्पॉन्ज पे थोड़ा सा वाटर डाल के इसे ब्लेंड किया। तो ये मैं पहली बार देख रही हूँ ब्लैक फाउंडेशन। कौन कौन सा आता है? ब्लू भी आता है, ब्लैक भी आता है और रेड कलर भी आता है। तो इतना सोचती क्यों है कि वो अपना दिमाग पे इतना जोर डालती है? ब्लैक फाउंडेशन लगा के उसे डैब डैब करके पूरा ब्लेंड किया। ऐसा है, धक्का दे दिया ना, अभी घर वाले लोकेशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। डर लग गया? ओए होए, हमरा तो डर लगने लग गया। हम तक ये जो भूत है इसलिए डर गया। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तर आता है, बाघ आता है। ब्रश की हेल्प से इन्होंने लगाया फेस पर गोल्डन कलर। अभी आने तो दो दोबारा। आ भी नहीं रहा। क्या कह रही है? तो डर गई। डर गई? बाद में बात करती हूँ, ठीक है? नेटवर्क नहीं आ रहा। बाय। पेंट वाले कलर की हेल्प से भैया ने एक व्हाइट कलर की आईब्रोज बनाई और उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट डाले और आईज को भी शेप दी और उसके नीचे भी व्हाइट 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 कलर के डॉट्स डाले। रेड कलर का लाइनर लगाया दोनों आईज पर। ब्लैक आईब्रो पेंसिल से शेप दी आईब्रोज को। क्रीज लाइन को फिल किया लाइट पिंक कलर से। लास्ट प्रोसेस स्प्रे, सेटिंग स्प्रे। तो चलो जल्दी से ना लिपस्टिक भी अप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो मस्कारे की जरूरत नहीं थी बट मैं लेकर आई तो मैंने सोचा क्यों ना यार यूज कर लिया जाए। तो गाइस, मेकअप मेरा हो गया है, अब टाइम आ चुका है कॉस्ट्यूम का। और सच बताऊं हमने ऐसे लोकेशन पे बैठ के मेकअप किया ना कि मुझे वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी और जैसे उस लोकेशन से आउट हुई हूँ थोड़ा सन डायरेक्ट फेस पे पड़ रहा है। अब टैन होने का तो चांस ही नहीं है ना गाइस। वो उसने बोला ना कि डॉग्स के साथ इतना गंदा ट्रीट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो डॉग्स का नेचर ही ये हो चुका है कि वो ह्यूमन को बाइट करने स्टार्ट कर गया। मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि ये इंसान मेरे आसपास आ रहा है तो मुझे काटने के लिए या मारने के लिए आ रहा है। तो हमने उन्हें ऐसा बनाया। तो यहाँ पर पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है कुत्तों का, शायद हमें देख। अच्छा आप गैस करो कि कौन सा मेकअप है ये, किस चीज का है? अरे कहना क्या चाहते हो? हम नाम तो नहीं लेते लेकिन बोल ही देते, चलो खुदा माफ करे। बॉस वो लग रहे हो, काली बोलते हैं ना जो, काली माता। हाँ, तो चलो जल्दी से ना कॉस्ट्यूम भी डाले थे। बाकी कॉस्ट्यूम का साइज देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये एक हाथ में भी ब्लाउज आने वाला है। उप्स, मेरा गैस एकदम सही निकला। कपड़े तो डालने हैं ना क्योंकि कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। चलो ब्लाउज को ऊपर से ही बांध लेते हैं। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, ये बाल तो मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती। आप ड्रेस पहनो। अरे यार अब थोड़ा चुप हो जाओगे? थोड़ा मैं कर लूँ शूट।
वाइन कलर है वाइन। तो आई गेस अगर ये रात के टाइम पे होता तो कुछ अलग ही ग्रेस आती। काली की रूप है, काली का रूप है। वीडियो बना रहा है तो हम कुछ बोल दूंगा तो गलत है ना? नहीं आप बोलो जो बोलना है आपको बोलना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। पानी पहले देख लो। काली का रूप लग रही है, मतलब डाउट है मेकअप पे। मेकअप से तो ऐसी लग रहा है काली का रूप है। कोई स्टेप की तैयारी हो रही है? एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बताओ या नहीं बताओ? मोशन होता है एक हाथ पैर दो। हां ये 1 2 ये डन ऐसे। थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, थोड़ा लेफ्ट हो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। नहीं नहीं थोड़ा हो। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी राम। भद्रता का नाश करना होगा, पुरुष ही उसका अस्तित्व मलिन करते हैं। और रील्स के लिए आपको मेरा इंस्टा चेक करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइस अब हमारा ये लोकेशन पे काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखाई दे रहा, तो वी आर गोइंग गाड़ी के पास तक। लेट्स सी एंड वी विल रिकॉर्ड आल्सो द रिएक्शंस। हाँ बिल्कुल, काली माँ के बिल्कुल सही है, माँ का रूप आ गया है ना। हाँ माँ का रूप आ गया, सही लग रहे हैं। सही लग रहे हैं। इस तरह की लोकेशंस पर बड़े जानवरों का खतरा होना एक आम बात है। छोटे छोटे जीव जंतुओं से बचना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी बहुत जहरीले हो सकते हैं। ओह माय गॉड, सो मेरा मुकुट जो है वो मुझे उतारना पड़ेगा और फिर हम ड्राइव कर पाएंगे। पर तुम आगे बैठ जाओ। बहुत ज्यादा स्वेटिंग मुझे हो रही है, पसीना जो आ रहा है वो मेकअप के ऊपर से आ रहा है, मतलब मेकअप जो है अभी बह नहीं रहा है। कौन हूँ? काली माता। कौन सी माता है ये? काली। क्या बात है। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी क्योंकि क्लोथ्स बहुत हैवी थे, ऊपर से हम पैदल चल चुके थे। तो गाइस अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। तो एक्चुअली ये मेकअप जो होता है रबड़ मेकअप होता है, अगर स्वेटिंग हो रहा है तो स्वेटिंग ऊपर से आ जाएगी, बट आपका मेकअप जो है पानी में बिल्कुल नहीं बहेगा। थैंक गॉड राखी के पास फेस वॉश था, उससे जो मेरा मेकअप अच्छे से क्लीन हो गया। सो गाइस वी आर गोइंग बैक एंड थैंक्स टू गौरव एंड विकास। अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जागरण कीर्तन या भजन का, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि माँ गाली का आपको ये मेकअप कैसा लगा जो गौरव जी ने किया। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी से ना कमेंट में लिख दो जय माँ काली। बाय। किसी ने मुझे काली बोला तो किसी ने मुझे भूत बोला, किसी ने बोला यहाँ से चले जाओ जंगली जानवर है। पर कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ मेरे दिन की, तो ये दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार था, क्योंकि यहाँ बिताया हुआ टाइम शायद मैं नहीं भूल पाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको भी उतनी ही पसंद आई होगी। इतनी सारी लेयर्स को एडिट करने के बाद ये 8 मिनट की वीडियो बन पाई। क्या मैं आपसे इस वीडियो को शेयर और लाइक की उम्मीद कर सकती हूँ?